ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि रोहतक से आ रही है। 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। प्रदेश में 15,40,000 युवाओं को लगाया जाएगा। रोहतक स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 बजे से किशोरों का टीकाकरण शुरू होगा। टीकाकरण के लिए वैक्सीन सेंटर किशोरों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू। रोहतक स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 बजे से किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ है और टीकाकरण के लिए वैक्सीन सेंटर किशोरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश में 15,40,000 युवाओं को लगेगी वैक्सीन। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू। रोहतक स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 11 बजे से किशोरों का टीकाकरण शुरू होना है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन सेंटर किशोर पहुंच रहे हैं। प्रदेश में 15,40,000 युवाओं को वैक्सीन लगेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। 11 बजे से टीका लगना शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक लगेंगे। रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए। रविवार शाम तक ही काफी रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। लगभग 6.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके थे जो सुबह बढ़कर 8 लाख हो गए हैं। तो 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। तो 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी अब वैक्सीन दी जा रही है। कैथल में हमारे संवाददाता पहुंचे और यहां का जायजा लिया और क्या कुछ बातचीत की, आइए दिखाते हैं। देश की सरकार द्वारा 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के आज से शुभारंभ किया गया है। बात अगर कैथल की करें, कैथल के अंदर जो है 60,000 से ज्यादा बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन दी जानी है, जिसको लेकर प्रशासन काफी संदिग्ध नजर आ रहा है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 278 टीमों का गठन किया गया है, वहीं 40 टीमें शहरी क्षेत्र में भी छोड़ी गई हैं ताकि हर एक बच्चे को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सके। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आप उनसे पूछते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे क्या फायदा होता है। जी, आपका नाम? नीतू शर्मा। जी नीतू, जैसा आप कोरोना की वैक्सीन आज से जो है आरम्भ की गई है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, कैसा कदम जो है सरकार का मानते हो? ये कदम बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इससे हमारे देश में कोरोना भी कम होगा और इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए ताकि कोरोना कम हो। तो उसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे इस वैक्सीन को लगवाएं ताकि कोरोना कम हो सके और आगे ना फैले। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो हर एक बच्चे को लगवानी चाहिए। कोरोना की जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है और हर एक बच्चे को जो है कोरोना की वैक्सीन लगवानी चाहिए। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। जुड़ गए हैं, बेहद जानकारियां यहां पर ले लेते हैं अनिल से। अनिल, किस तरीके का नजारा देखने को मिला जब आप फील्ड पर निकले, किस तरह की तैयारियां हैं, बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है वैक्सीन को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूँ कि जो प्रदेश की सरकार है उसने चरणबद्ध तरीके से जो है कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी। अब जो चरण है वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए है, जिसको लेकर जो है प्रशासन काफी संजीदा नजर आ रहा है। बच्चों के अंदर जो है काफी उत्साह है। प्रशासन की जो तैयारियां हैं कल से ही जो काफी हो चुकी हैं। उपायुक्त जो कैथल है वो खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं। लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो है लोगों को जागरूक किया गया है। जागरूक करने के लिए जो है लगातार जो है नगर परिषद की जो टीमें हैं वो जा रही हैं। गांव की अगर बात करें तो गांव के अंदर जो है बुनियादी मंदिर, गुरुद्वारे और जो जो चपरासी होता है उसके थ्रू जो है वो लगातार बुनियादी करवाई जा रही है कि लोगों को जो बच्चे हैं, बच्चों को जो है लगातार कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। इसको लेकर जो है लगातार जो है प्रशासन के द्वारा टीमें भी बनाई गई है। बात करें 278 के लगभग जो टीमें हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भेजी गई है। 40 टीमें जो है शहरी क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। प्रशासन के द्वारा 60,000 से ऊपर जो है बच्चे चिन्हित किए गए हैं जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है और प्रशासन का मानना है कि ये जो कार्य है 100% पूरा होगा और इसको लेकर जो है प्रशासन अपनी कमर कसे हुए। जी बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है अनिल, क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग थे जो पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लेने में भी डर रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह देखा जा रहा है इस वैक्सीन को लेकर। जी अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करें पोर्टल की जो है लोगों बच्चों ने जो है काफी तादाद में जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है और प्रशासन का ये मानना है कि आज जो है लगभग 20,000 के आसपास जो बच्चे जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे
और इसको लेकर जो है बच्चों में भी काफी उत्साह नजर जो है आ रहा है। बच्चों का ये कहना है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो जरूर लगवानी चाहिए, कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से जो है बच्चे काफी सुरक्षित भी रहेंगे और कोरोना से बचाव भी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। तो जरूरत है कि अब आप सतर्क होइए, जागरूक होइए और 15 से 18 साल तक के बच्चों को जो वैक्सीन दी जा रही है वो लेनी बेहद जरूरी है। इसलिए हर खबर भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने बच्चों को लेकर सेंटर्स पर जरूर पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।